आखिरकार शिक्षा विभाग से अपर मुख्य सचिव के पाठक विदा हो ही गए। उन्हें राजस्व और भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है। के पाठक अवकाश पर है। बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सचिव तथा अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को यह अधिसूचना जारी कर जानकारी दी। बता दें कि वही भोजपुर के डीएम राजकुमार और नवादा के डीएम आशुतोष वर्मा को चुनाव आयोग के निदेशक पर चुनाव कार्य से मुक्त कर मुख्यालय में पदस्थापित किया गया था। अब इन दोनों को पुनः पूर्व के जिले में पदस्थापित कर दिया गया है। बता दें कि दीपक कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है, तो वहीं वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को गृह विभाग के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है। बता दें कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह वित्त विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। बता दें कि पंकज कुमार पाल को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का जिम्मा दिया गया है। यह बियाडा के एमडी के अतिरिक्त प्रभार में ही रहेंगे। बता दें कि चुनाव आयोग के निदेशक भोजपुर के डीएम बने महेंद्र कुमार को पुनः साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का एमडी बनाया गया है। वहीं नवादा के डीएम रहे प्रशांत कुमार को समाज कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में फिर से स्थापित किया गया है। बता दें कि उधर चुनाव के दौरान हटाए गए प्रमोद कुमार यादव और अम्बरीश राहुल को वापस पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी मिल गई है, तो वहीं प्रमोद कुमार यादव को भोजपुर जबकि अम्बरीश राहुल को फिर से नवादा का एसपी बना दिया गया है। भोजपुर एसपी की कमान संभाल रहे नीरज कुमार सिंह को सहायक पुलिस महानिरीक्षक की पुरानी कुर्सी दी गई है। वहीं नवादा के एसपी रहे कार्तिकेय के शर्मा को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पटना में सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। वह सहायक पुलिस महानिरीक्षक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। बता दें कि के पाठक 2 जून से 30 जून तक छुट्टी पर है। इसके बाद शिक्षा विभाग के एसीएस का प्रभार मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। तो देखिए के पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से हटाया गया है और फिलहाल वो छुट्टी पर है, जो कि उनके छुट्टी पर जाने से भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यहाँ पे अपर मुख्य सचिव बनाया गया है, क्या के पाठक को उनके पद से हटा दिया गया है, बिहार सरकार हटा दिया है। आपको बता दें कि के पाठक के ही तालिबानी फरमान की वजह से कई बच्चे लू से बीमार हो गए थे, अचानक से स्कूल में वो बेहोश हो गए थे। शिक्षकों के ऊपर भी तालिबानी फरमान लगातार उनका जारी रहता था कि सुबह 5:30 बजे तक आपको स्कूल पहुंच जाना है, 5:45 तक आपको वहां पर फोटो क्लिक करके भेज देना है एक ऐप के जरिए, तभी आपका माना जाएगा कि यहाँ पर आप अटेंडेंस बना है। लेकिन देखिए जिस तरीके से के पाठक अपना तालिबानी फरमान के लिए जाने जाते हैं, क्या इस बार जिस तरीके से के पाठक को भूमि राजस्व विभाग में दिया गया है वहाँ पे भी उनका तालिबानी फरमान जारी रहेगा? अब तो ये के पाठक वहाँ पर जब जाएंगे तो ये देखने वाली चीज होगी। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉक।